डियर फ्रेंड, हमारा चैप्टर 7 चल रहा है, द टेबल एंड द चेयर। ये हमने रीड कर लिया है। क्वेश्चन ए हो गया है, क्वेश्चन बी हो गया है इसका। द टेबल एंड द चेयर एक पोयम है, ये हमने कर लिया, रीड कर ली है, इसको मैंने आपको करवा दिया है। इसका क्वेश्चन ए था, टिक कर राइट, वो कम्प्लीट हो चुका है। स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी का जो क्वेश्चन था वो मैंने कम्प्लीट आपको करवा दिया है। आज हम इसका ग्रामर क्वेश्चन जो है वो आज हम करेंगे। तो आपको किस तरह करना है, अपने और वो सबने बुक ओपन करी, मैं इसको बुक में फिल करवाऊंगी आप लोगों को। उसके बाद आपको नोटबुक में राइट एंड लर्न दोनों ही करना है। आपको नोटबुक में राइट एंड लर्न दोनों ही करना है। मैं आपको इसको करवा रही हूँ। तो अपन योर बुक, इट वॉज योर फिल इन योर बुक। सबसे पहले आप अपनी बुक फिल करेंगे, देन यू राइट इन योर नोटबुक लर्निंग ग्रामर क्वेश्चन पेज नंबर 16। पेज नंबर वर्क दी हुई है, सबने बुक ओपन करी। वर्क इन द सिंपल पास्ट टेंस टेल अस व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। मतलब यहाँ पे आपको वर्क दी हुई है। वर्क क्या होती है? एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्क। एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे वर्क कहलाते हैं। जो भी काम हम करते हैं, जो भी एक्शन हम करते हैं वो हमारी क्या कहलाते हैं, वर्क। जैसे ईटिंग करना, डांस करना, ब्रीथिंग करना, बैक्ट इस जैसे जंपिंग करना, स्किपिंग करना, बांधना मतलब किसी चीज़ को टाई करना, लाइक करना, लिप जॉइन पिक करना, पुश करना, रश करना, रन करना, जंप करना, मतलब जो भी हम लोग जो भी काम करते हैं, जो भी हम लोग काम करते हैं, जो भी वर्क हम करते हैं वो हमारी क्रिया कहलाती है हिंदी में, जिसे हम लोग कहते हैं। या एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्क। जो भी वर्क हम करते हैं, एक्शन जो भी हमारा जो एक्शन होता है, किसी भी चीज़ें पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, तो ये सारी हमारी क्या एक्शन है, मतलब। तो ये सारा जो भी वर्क हम करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, वर्क कहलाती है। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्क, इसका डेफिनेशन है। तो वर्क इन द सिंपल पास्ट टेंस टेल अस व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। मतलब सिंपल पास्ट टेंस की आपको वर्क दी है, वो हमें बताती है कि हमने क्या किया था, क्या किया था। अगर किसी भी सेंटेंस में था, थे, थी आता है, मतलब यस्टरडे मीन्स होते बीता हुआ कल। यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, बीते हुए कल, मीन्स कल मंडे था, मंडे में हमने क्या किया वो हमारा पास्ट था। प्रेजेंट आज, आज ट्यूसडे को हम लोग क्या कर रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट है। और वेनसडे, वेनसडे मतलब आने वाला कल, टुमारो को हम क्या करेंगे वो हमारा फ्यूचर होता है। टेंस होते हैं, थ्री टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। पास्ट जो हमारा बीत चुका, कल हमने क्या किया था। प्रेजेंट आज हम क्या कर रहे हैं, और फ्यूचर कल हम क्या करेंगे। तो मंडे हमारा हो गया पास्ट, ट्यूसडे हमारा हो गया प्रेजेंट, और वेडनेसडे हो गया हमारा फ्यूचर। हमने कल क्या किया था, आज हम क्या कर रहे हैं, कल हम क्या करेंगे। तो इस तरह टेंस होता है, इसकी वर्ब होती है, वर्ब की भी थ्री फॉर्म होती है। कल हमने क्या किया था, आज हम क्या कर रहे हैं, और कल हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग वर्क होती है। जैसे आपकी अभी क्लास छोटी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, आपको उसको पास्ट में चेंज करना है। जैसे आज मैंने पसंद किया, मतलब कोई भी चीज़ मैंने खाई या मैंने डांस किया, आज किया है, कल किया था, यानी मतलब कल का जो काम है वो पास्ट होगा, आज जो कर रहे हैं वो प्रेजेंट होगा, और जो कल करेंगे वो फ्यूचर होगा। तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, आपको इसको पास्ट में चेंज करना है। ये लर्न करना ये बहुत ही जरूर रहता है, मतलब ये पता होना चाहिए आपको वर्ब का। तो वर्ब इन द सिंपल पास्ट टेंस टेल अस व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। हरी वेंट टू द स्विमिंग पूल यस्टरडे। हरी कल स्विमिंग पूल गया था। हरी कल कहाँ गया था, स्विमिंग पूल। ही जंप इन टू द पूल, उसने पूल में जंप किया। ही स्वैम टू द अदर एंड ऑफ द पूल, वो मतलब तैर के पूल के एक एंड से दूसरे एंड पे, मतलब दूसरे एंड पे गया। ही इंजॉयड हिमसेल्फ, उसने अपने आप में बहुत इंजॉय किया। तो आपको क्या किया है, इसमें कुछ वर्ब दिए थे, कुछ जो डार्क ब्लैक कलर में वो वर्ब है, ठीक है। तो आपको जैसे मैं कुछ वर्ब बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको उसको लर्न भी करना है, बुक में फिल भी करना है। तो सब बुक ओपन करेंगे, सबने बुक ओपन करी, ये है देखो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका। एड डी टू दीज रेगुलर वर्ब टू फ्रॉम द सिंपल पास्ट टेंस। आपको सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट टेंस
की वर्ब लिखनी है, लेकिन आपको क्या करना है उसमें सिर्फ डी ऐड करना है। क्या ऐड करना है? डी ऐड करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर ए है, ऐड डी टू दिस वर्ब टू चेंज देम फ्रॉम द सिंपल पास्ट टेंस। आपको प्रेजेंट टेंस में वर्ब दी हुई है, आपको इसको सिंपल पास्ट में आपको चेंज करना है, और आपको सिर्फ क्या करना है, ऐड डी, ऐड डी से जोड़ना है, क्या जोड़ना है, डी इसमें जोड़ना है। आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, आपको इसको सिंपल पास्ट में चेंज करने के लिए आपको जो वर्ब दी हुई है उसमें सिर्फ आपको डी ऐड करना है। वर्ब लिखनी है, एज इट इज आपको लिखना है, और उसमें सिर्फ डी ऐड करना है। जैसे सिंपल प्रेजेंट में दिया हुआ एल आई के ई लाइक पसंद करना, एल आई वी ई लिव रहना, एम ओ वी ई मूव चलना, पी एस टी ई पेस्ट चिपकाना किसी चीज को, पेस्ट होना, टी आई ई टाई बांधना, डब्ल्यू ए एस टी वेस्ट मतलब कोई चीज खराब है, डब्ल्यू आई पी ई वाई पहुंचना किसी चीज को। तो ये वर्ब दी हुई है, आपको उसको चेंज करना है पास्ट में, आपको सिर्फ क्या करना है, डी लगाना है। जैसे सिंपल पास्ट में हम लोग चेंज कैसे करेंगे, एल आई के ई लाइक लाइक लिखा और इसमें क्या करना है आपको डी ऐड करना है बस, एल आई के ई डी लाइक, एल आई बी ई बी लिव, एम ओ बी ई डी मूव, पी ए एस टी ई डी फेस्ट, टाइप टाइड, डब्ल्यू ए एस टी ई डी वेस्टेड, डब्ल्यू आई टी ई डी वाई का वाइब, ई डी आपको सिर्फ ऐड करना है इसमें। लाइक लाइक, लिव लिव, मूव मूव, पेस्ट पेस्ट, टाइप टाइप, वेस्ट वेस्टेड, वाइब वाइब। जो वर्ब दी हुई है उसमें सिर्फ आपको डी ऐड करना है। आया आपको समझ में? आप बुक में फिल करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बी वाला जो है वो मैं आपको करवा रही हूँ। अब देखो क्वेश्चन ए हो गया था, हमें डी ऐड करना था, अब क्वेश्चन बी में हमें क्या ऐड करना है? देखो ऐड ई डी, हमें क्या ऐड करना है, ई डी ऐड करना है। जो पहले वाला जो क्वेश्चन था ए, उसमें हमें सिर्फ डी ऐड करना था, तो वर्ब दी हुई थी हमने उसमें डी ऐड कर दिया। अब इसमें क्या करना है, ऐड ई डी, हमें क्या करना है, जो रेगुलर जो हमारी वर्ब है सिंपल प्रेजेंट की, उसको पास्ट में चेंज करने के लिए हमें ई और डी का यूज करना है। जो वर्ब दी हुई है उसमें ई डी प्लस करना है, ऐड करना है। तो कैसे किया, सी एच ए डब्ल्यू ट्यूब चबाना, जे ओ आई एन जॉइन किसी चीज से जोड़ना, पी आई सी के पिक उठाना, पी यू एस एस पुश धक्का देना, आर यू एस रश बहुत ज्यादा भीड़ या दौड़ना, टी ए एल के टॉप बात करना, डब्ल्यू ए एस एस वॉश धोना। अब इसमें क्या करना है, हमें ई डी लगाना है, जैसे इसको सिंपल प्रेजेंट में कैसे चेंज करना है, सी एच ई डब्ल्यू ई डी ट्यूब, J O I N E D join, P I C K E D pick push, P U S H E D push, R U S H rush rush, T A L K E D talk, wash, W A S H E D wash। हमें जैसे सी एच ई डब्ल्यू दिया हुआ है, इसमें क्या ऐड किया हमने, ई डी लगा दिया। देखो सबके लास्ट में मैंने ई डी, आपको ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो रेगुलर वर्ब है उसको हमें सिंपल प्रेजेंट में चेंज, सिंपल प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करना है, और उसमें वर्ब में हमें क्या लगाना है, ई डी। तो जो वर्ब है हमने उसमें ई डी लगा दिया, इससे बन गई वर्ब। ठीक है, आया समझ में? च्यू च्यू, ज्वाइन ज्वाइन, पिक पिक, पुश पुश, रश रश, टॉप टॉप, वॉश वॉश। ये हुआ कंप्लीट, इसको भी बुक में फिल करो। पेज नंबर 60 वाला हमारा कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 61, पेज नंबर हमारा 61 है, पेज नंबर हमारा कितना है 61 पे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, आपको उसको सिंपल पास्ट में चेंज करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब दी हुई है, आपको उसको सिंपल पास्ट में चेंज करना है। अभी तो हमने जो वर्ब करी थी उसमें से हमने डी लगाया, ई डी लगाया। अब कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसमें हमें मीनिंग की मतलब उसका जो स्पेलिंग है उसको चेंज करना पड़ता है, जैसे कहीं में तो हमने डी लगा दिया, कहीं में ई डी लगा दिया, कई ऐसी होती है जैसे मीनिंग ही चेंज हो जाता है उसका। जैसे हम लोग लिखते हैं ना तो उसमें ई डी नहीं आएगा, ई डी नहीं आएगा, उसका जो स्पेलिंग है उसको ही हम लोग चेंज करते हैं। तो मैं बुक में फिल करवा रही हूँ, तो बुक फिल करेंगे आप लोग। ये वाला क्वेश्चन है हमारा,
गो वन स्टेप फॉरवर्ड, इसका क्वेश्चन ए है, ये करवा रही हूँ मैं, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट। कुछ तो भरी हुई है वर्ब और कुछ मतलब फोर वर्ब तो इसमें भरी हुई है, बाकी सारा खाली है, ब्लैंक है। तो 26 वर्ब है वो मैं आपको करवा रही हूँ, तो बुक में फिल करेंगे आप लोग मेरे साथ फास्ट। जल्दी करो, ओपन करें बुक। जैसे बेक, बी ए के ई, बेक की क्या होगी, बी ए के ई डी, बेक। बाइट का बी आई टी, बिट। बाइट का बिट। बाउंस बी ओ यू, जैसे बी आई टी की बाइट है तो हमें क्या हो गया, बिट हो गई, इसमें डी लगा दिया हमने। अब जैसे बी ओ यू एन सी ई, बी ओ यू एन सी ई की बाउंस। चेंज का सी एच ए एन जी ई डी, चेंज। चेक सी एफ ई सी के ई डी, चेक। डू का डी, ड्राइव का डी आर ओ वी ई, ड्रॉप। ड्राइव का क्या होगा, ड्रॉप, डी आर ओ वी ई। ईट का ए टी ई एट। फॉल का फैल, फॉल का फैल, एफ ए डबल एल की क्या हो जाएगा, एफ ई डबल एल, फैल। स्पेलिंग देखो चेंज हो गई, जो है वो मैंने आपको करवा दी, इन वर्ब को सबको
करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब को सिंपल पास्ट में चेंज करना है और इन सबको लर्न करना है। ये सारा जो वर्क है उसको क्या करना है, आपको लर्न करना है, वर्ब लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके ग्रामर पोर्शन इंग्लिश में सब में ये वर्ब आती है तो आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स वो मैं आपको करवाऊंगी। अभी आपको बुक में फिल हो चुकी सारी वर्ब, अब इसको नोटबुक में आपको राइट करना है, नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। थैंक यू।